कुल्लू जिला की मणिकरण घाटी में हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने तीसरे चरण में 35 होटल, होमस्टे व रेस्टोरेंट सील कर दिए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन की तीन टीमों ने मणिकरण, कसौल, रोपा, छलाल और अन्य स्थानों में अवैध व्यवसायिक संस्थानों को सील बंद किया। वहीं लोगों ने भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन को सीलिंग प्रक्रिया को पूरा करने में सहयोग दिया। कुल्लू जिला की मणिकरण घाटी में हाईकोर्ट के आदेशों पर जिला प्रशासन ने 35 अवैध व्यवसायिक संस्थानों को सीलबंद कर दिया है। एसडीएम कुल्लू अमित गुलेरिया ने कहा कि मणिकरण घाटी में हाईकोर्ट के आदेश पर तीसरे चरण में 63 व्यवसायिक संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए गए थे, जिसमें 16 होटल मालिकों ने डिमार्केशन व दस्तावेज पहले ही पूरे कर दिए थे और 8 होटल मालिकों ने डिमार्केशन के बाद प्रक्रिया पूरी कर दी है और 4 होटल मालिकों ने हाईकोर्ट से रूपी नौतोड़ के तहत स्टे लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ पर स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग मिला। प्रशासन ने शांतिपूर्वक तरीके से सीलिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया है, जिसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेजी जाएगी। माननीय हाई कोर्ट के जो CWP नंबर 27/2017 है, उसकी ये तीसरे चरण की सीलिंग की प्रोसेस आज पूरी की गई। पहले दो चरणों की प्रोसेस जो है दिसंबर और जून महीने में पहले ही की जा चुकी है। जहाँ तक होटल की सीलिंग का सवाल है, तो वैसे तो इस लिस्ट में 63 होटल थे, लेकिन 63 होटल में से 16 होटल जो है पहले ही जो है अपने कागजात जो है उनको पूरा कर चुके थे या इनक्रोचमेंट जो है उसको छोड़ चुके थे। तो इस प्रकार 47 का आंकड़ा जो है हमारे पास आज हुआ, लेकिन अभी वैसे थोड़ी सी सीलिंग अभी बाकी है। लेकिन जो पूरे आंकड़े हमें तीनों टीमों से आए हैं, वो ये बताते हैं कि लगभग 35 के करीब होटल हैं जो कि सील किए गए हैं और 12 होटल हैं जिन्होंने अपने कागजात जो है वो पूरे कर लिए हैं। खासकर हमारे मणिकरण के 4 होटल्स हैं, उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे लाया है क्योंकि उनको वो रूपी नौतोड़ के तहत वो क्लेम कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।